ओवर के बाद मतलब एक नंबर पर हम चल रहे थे, तो हम गैरेज में काम करते हैं। चमकने वाले सितारे होते हैं, कहीं ना कहीं अपनी रौनक अलग ही दिखाते हैं। और पुरुष की भाग्य की बात करें, कितने लोग भाग्य को मानते हैं और कितने लोग कर्म को मानते हैं, तो भाग्य को मानने वाले भी कभी कभी लकी हो जाते हैं और ये बात सामने सच हो जाती है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि अभी जो एक ड्रीम इलेवन करके ऐप चला है, उस पर बहुत सारे बिहार के लोग और अन्य स्टेट के भी लोग करोड़ों रुपया जीत चुके हैं। अभी ताजा मामला बिहार के उधवंत नगर के कोहना गांव के से है, जहां जोगेंद्र ओझा के पुत्र दीपू ओझा ड्रीम इलेवन पे अपनी टीम बना रहे थे, लगातार 6 महीने से लगे हुए थे। और चूंकि वो एक पेशे से गैरेज मैकेनिक थे, मैकेनिक का काम करते थे, जब रविवार को उनके पास कोई काम नहीं था, मात्र 60 रुपया बचा हुआ था, बच्चों के लिए दूध ले जाना था, लेकिन उन्होंने वो पैसे भी ड्रीम इलेवन में लगा, KKR और RBC जो टीम थी उसमें उन्होंने पैसे लगाए और अचानक से उनको लगा कि हम 1.5 करोड़ रुपया जीत चुके हैं। उन्हें तब यकीन नहीं हुआ, वो अपने गांव के लोगों से दिखाए। जब लोगों ने पूरा क्लियर कर दिया कि नहीं, आप 1.5 करोड़ रुपया जीत चुके हैं, जी हाँ, पेशे से एक जो बोलते गाड़ी बनाने वाले होते हैं मैकेनिक इंजीनियर मिस्त्री, वो अगर 1.5 करोड़ रुपया जीत जाए तो उसके लिए अचंभा ही है। वो 1.5 करोड़ रुपये जीते, उन्होंने बताया कि चूंकि हमारे घर पे अभी हमारे गार्जियन कहीं बाहर निकले हुए हैं 1-2 दिन के लिए, वो आएंगे, जब उनसे बात हुई तो कि इस पैसे का क्या कीजिएगा, तो उनके सलाह से, पूरे परिवार की सलाह से इस पैसे को कहीं ना कहीं बिजनेस में लगाया जाएगा। हम ऐसा नहीं कर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप ड्रीम इलेवन खेलिए और इसमें जीतिए और इसी में अपना सब कुछ लगा दीजिए। वो उन्होंने बताया कि किस तरह से, उनको क्रिकेट के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था, न खिलाड़ियों के बारे में ज़्यादा पहचान थी, फिर भी वो एक लगन के साथ खेलते थे, मतलब थोड़ी सी खेलिए लगन के साथ खेलिए। आखिर इस जीत को लेकर के वो क्या कहना चाहते हैं, हम उनकी बातें आपसे सुनाते हैं। सर, 6 महीने से बना रहे थे टीम, कल भी अपना मतलब बैठे थे, काम धंधा नहीं था, तो कल भी अपना बैठे बैठे बनाए। 3 बजे मतलब पता चला कि मैच है, तो उस मैच के देखते हुए अपना बनाया, अंदाजे पर बनाए, उसमें कोई तो पहचानते भी नहीं थे, KKR और RCB का मतलब नाम जानते थे कि मैंने मैच है, और उसमें अपना कप्तान रसल को और किसी व्यक्तियों को मतलब बना दिए और उसी मतलब पैसा कटवा दिए, और उसी पर लास्ट में मतलब मैच खत्म हुआ तो पता चला कि मतलब 12 ओवर 13 ओवर के बाद मतलब 1 नंबर पर हम चल रहे थे, तो हमको विश्वास नहीं हो रहा था, तो एक आदमी बोला कि नहीं रुकिए, यहाँ जीत जाएंगे, बाकी उसी पर अपना काम चलते रहा। हाँ, लास्ट में तक ले गई 1 नंबर तक ले, 1.5 करोड़ रुपया जीते हैं सर। इस पैसे का घर वाले के अपना सलाह होगा, उसके बाद घर वाले जैसे कहेंगे जैसे खर्चा किया जाएगा उसके हिसाब से। बहुत अच्छा मतलब लगा, पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था, हम जाने ही नहीं देते, हम सोचे कि मतलब ये मतलब फ्रॉड होता है चाहे जो भी होता है, कितने लोग बोल रहे थे कि मतलब पैसा नहीं आता है चाहे जो भी, हम बोले कि अपना लगा। क्रिकेट के बारे में क्या अनुभव है? क्रिकेट के बारे में कोई अनुभव नहीं है सर। क्या करते हैं? हमारे पास, हम गैरेज में काम करते हैं, गैरेज के काम है, रेडी वाटर वाटर का गैस वेल्डिंग वेल्डिंग का काम 8 क्लास तक का सर। 8 क्लास तक बोले, उसके बाद मैकेनिक लाइन में ढूंढा सर। नहीं है मतलब इसमें अपना जब काम नहीं गए तो अपना थोड़ा बहुत अपनी दिमाग लगा रहा था, बैठे बैठे मोबाइल है तो देख लेता था सर, उसी में अपना टिप टाप कर लेता था। अचानक से अपने अकाउंट में आपके 1.5 करोड़ रुपये आया, कैसा महसूस किया उस समय? अचानक उस समय तो सर लगा अजीब सा, मगर बहुत अच्छा लगा बाद में, सबको अपना फोन भी किया, कितना चाहिए, बहुत बढ़िया लगा। नहीं नहीं सर, ऐसा बात नहीं, कोई क्या करेंगे उस पैसे का? उस पैसे का मम्मी पापा बताएंगे क्या करो। मेरा नाम जीतू कुमार है सर। भोजपुर से देशवा न्यूज के लिए सहयोगी मिथिलेश सिंह के साथ विष्णुदेव उपाध्याय। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।